गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर वैल्यू एजुकेशन क्लास. हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट्स? वी ऑलरेडी स्टार्टेड विद लेसन नंबर 9, दैट इज पंचुअलिटी, एंड टुडे वी विल मूव अहेड विद द स्टोरी पार्ट ऑफ आवर लेसन. ओके, देर इज अ शॉर्ट स्टोरी इन द लेसन दैट वी विल बी रीडिंग आउट एंड आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू. आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विद लेसन नंबर 11, दैट इज टू गिव एनकरेजमेंट. आई विल एक्सप्लेन यू द मीनिंग ऑफ एनकरेजमेंट एंड हाउ वन कैन एनकरेज अदर्स. दिस इज द स्टोरी on that is a stitch in time saves 9. Above that there is a short paragraph regarding nature. It is said that nature is very punctual. Nature teaches us punctuality. वो कैसे होता है? क्योंकि जो सन है वो भी अपने टाइम पर राइज होता है, मून अपने टाइम पर रात को स्काई में आता है, सीजन्स भी अपने टाइम के हिसाब से होते हैं. तो जो नेचर है वो नेचर हमें क्या सिखाती है? पंचुअलिटी सिखाती है कि हम अपना काम टाइम टू टाइम करें और अप टू डेट रहे, कभी भी किसी भी काम में लेट ना हो. ओके, हियर इज़ अ शॉर्ट स्टोरी, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9. इन दिस स्टोरी देर आर 3 कैरेक्टर्स, अ बिग बनियन ट्री, अ लिटिल रॉबिन एंड अ ब्लैक क्रो. ओके, ऑल दीज 3 विल प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन द स्टोरी. सो वॉट इज़ द स्टोरी स्टूडेंट्स? On a big banyan tree lived a little robin and a black crow. They decided to do some farming. Little robin got some seeds and asked the crow to help her plant them. Lifting his fat neck, the crow said, "You carry on, dear robin. I will come when I finish my rest." तो रॉबिन और क्रो ने डिसाइड किया कि वो अपने लिए कुछ खाना उगाएंगे, लेकिन जो क्रो था वो कुछ भी काम करना चाहता नहीं था. तो रॉबिन आई और उसने कहा कि मैं सीड्स लाई हूँ, चलो हम इसको सो कर देते हैं तो सीड्स से प्लांट्स उगेंगे. लेकिन क्रो ने क्या किया? क्रो ने अपना फैट नेक ऊंचा किया और बोला कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग दैट, पहले मैं अपना आराम कंप्लीट करूँगा, उसके बाद में ही मैं ये सब काम करूँगा. ठीक है, लिटिल रॉबिन वेंट टू द फील्ड एंड सोड ऑल द सीड्स हरसेल्फ. When the seeds needed water, the little robin asked the crow to help her. The crow replied, "Little robin, I will come there after you. Let me complete my rest." So the little robin went to water the seeds. Some days later, the crops were ready to cut. Again, the lazy crow made excuses, and the poor little robin had to cut the crops by herself. Now the crops were ready to be taken to the shed. While the little robin picked up her own share and kept it safely, she asked the crow to carry his share. The crow kept sitting on the branch of the tree. When the winter set in, crow finally decided to go and keep his crop as inside. Alas, there was no crop. The wind had blown away all the grains and the crow had nothing to eat. तो क्या हुआ students? जब भी काम करने का आता, crow बोलता मैं बाद में आऊँगा, तुम कर लो तुम कर लो. बेचारी robin seeds लाई, उसको सो किया, पानी दिया, जब बड़े हो गए तो कट करके crow का हिस्सा भी रखा और अपना हिस्सा सेफली उसने अपने पेड़ में रख दिया. बराबर, बनियन ट्री के जो जगह पे वो रहती थी वहाँ पे उसने स्टोर कर दिया. लेकिन ये जो क्रो था उसने कुछ भी नहीं किया, ना वो अपना हिस्सा उठा के सही जगह पे रख सका. और फिर जब विंटर आया तब उसको याद आया कि अरे मेरे सब खाने की चीज़ें तो वहाँ पे रखी हुई थी, चलो मैं उठा के उसको सही जगह पे रखता हूँ. लेकिन जब वो रखने के लिए गया तो उसने देखा कि वहाँ पे कुछ भी नहीं था, क्योंकि जो हवाएँ चल रही थी उसने सारा क्रॉप उड़ा दिया. अब विंटर हो गया और क्रो के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था. तो ये स्टोरी से हमें क्या पता चलता है स्टूडेंट्स? हमें ये पता चलता है कि वी शुड यूज़ अवर टाइम वेरी 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 जुडिशियसली. कोई भी टाइम हमें वेस्ट करना नहीं चाहिए, जितना हो सके उतना काम हमें कंप्लीट करके रखना चाहिए. ठीक है, सो दैट इज़ द स्टोरी, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9. होप यू अंडरस्टूड द स्टोरी स्टूडेंट्स. नाउ वी विल मूव अहेड to the next lesson, that is to give encouragement. That chapter is also very interesting and it is also having a short story. So let us move ahead to the chapter give encouragement on page number 46 of your textbook. Encouragement ka matlab kya hota hai students? Encouragement ka matlab hota hai kisi को हेल्प आउट करना. अगर आप उसकी मदद नहीं भी कर सकते हो तो कुछ ऐसे वर्ड्स बोलना, किसी को मोटिवेट करना कि वो अपना काम अच्छे से कर सके. एनकरेजमेंट इज़ टेलिंग अदर्स दैट यू बिलीव इन देम बिफोर दे इवन स्टार्ट. ठीक है, तो
एंकरेजमेंट क्या होता है? एंकरेजमेंट कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम किसी को कहते हैं जब उन्होंने कोई भी अच्छा काम शुरू किया हो, अगर उन्हें डर लग रहा है कि मैं ये कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, तो योर वर्ड्स मस्ट बी कि येस यू कैन डू इट, दैट इज़ एंकरेजमेंट. आई एम रीडिंग आउट, ओके. टू एंकरेज मीन्स टू एक्सप्रेस कॉन्फिडेंस इन अदर्स एबिलिटी टू अकम्प्लिश समथिंग और ओवरकम डिफरेंट सर्कमस्टेंसेज. इट इज़ इफेक्टिव इन गेटिंग द बेस्ट आउट ऑफ अदर्स. सेइंग यू कैन डू इट टू समवन और आई बिलीव इन यू गिव्स देम कॉन्फिडेंस एंड बूस्ट देयर एनर्जी. तो किसी को अगर आप कहते हो कि यू कैन डू इट और यू से आई ट्रस्ट यू, आई बिलीव यू, तो सामने वाले को एक एनर्जी मिलती है काम करने के लिए. वेन यू लुक एट अ ग्रेट स्पोर्ट्स टीम, यू विल सी प्लेयर्स, टीम लीडर्स एंड कोचेज एंकरेजिंग ईच अदर टू एक्सेल. दे गिव ईच अदर हाई फाइव्स फॉर ग्रेट प्लेस. दे कीप ईच अदर्स अनबीट इवन इन द फेस ऑफ सेटबैक्स बाय एंकरेजिंग. तो स्पोर्ट्स पर्सन को आपने देखा होगा ना, तो जब वो खेल खेलते हैं अगर हार भी जाते हैं तो भी वो लोग कभी ऐसे एक दूसरे को ब्लेम नहीं करते, दे कीप ऑन एंकरेजिंग. ठीक है, तो हमें भी दूसरों को एंकरेज करना चाहिए. हर एक की लाइफ में एक टाइम आता है जब उसको एंकरेजमेंट चाहिए होता है. कभी ना कभी कोई ना कोई, हर कोई डिसअपॉइंट होता है, तब उसे एंकरेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, यहाँ पे एक स्टोरी है अ वर्ड ऑफ एंकरेजमेंट. उसमें दो कैरेक्टर्स हैं. पहला है नेथलिन हैवथॉर्न जो एक फेमस ऑथर है अमेरिकन लिटरेचर के, और दूसरा स्टोरी का जो पात्र है वो है सोफिया. दैट कैरेक्टर इज हिज वाइफ. सोफिया इज वाइफ ऑफ नेथलिन हैवथॉर्न. ओके, अ वर्ड ऑफ एंकरेजमेंट. सम ऑफ द ग्रेटेस्ट सक्सेस ऑफ हिस्ट्री हैव फॉलोड अ वर्ड ऑफ एंकरेजमेंट और एन एक्ट ऑफ कॉन्फिडेंस बाय अ लव्ड वन और अ ट्रस्टिंग फ्रेंड. हैड इट नॉट बीन अ कॉन्फिडेंट वाइफ सोफिया, द नेम ऑफ नेथलिन हैवथॉर्न मे नॉट हैव बीन लिस्टेड अमॉन्ग द ग्रेट नेम्स ऑफ लिटरेचर. वेन नेथलिन अ हार्ट ब्रोकन मैन वेंट टू होम to tell his wife that he was a failure and had been fired from his job in a custom house, she surprised him with an exclamation of joy. तो यहाँ पे क्या कहा है कि नेथलिन हैवथॉर्न was a very great author, very great writer. But क्या वो writer author अपने आप बन गए? नहीं. कैसे बने? क्योंकि उनकी wife ने उनमें confidence दिखाया. तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन नेथलिन हैवथॉर्न बहुत निराश होके घर आए और उन्होंने कहा कि मुझे कुछ कहना है, बहुत बुरा हुआ है मेरे साथ. तो उनकी wife ने कहा कि हाँ बताओ क्या हुआ. तो वाइफ ने को बताया कि मेरी जॉब चली गई, मुझे जॉब से निकाल दिया. तो उनकी वाइफ गुस्सा नहीं हुई, इंस्टेड शी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय. मतलब उन्होंने खुशी खुशी बोला, अरे वाह अच्छी बात है ना, जॉब से निकाल दिया तो बहुत अच्छी बात है, वाह वाह, ऐसे करके उन्होंने नेथलिन हैवथॉर्न को बोला. नाउ शी सेड सम ट्रम्पेटली, यू कैन राइट योर बुक. येस रिप्लाइड द मैन वीकली, एंड वॉट शैल वी लीव ऑन वाइल आई एम राइटिंग. तो उनकी वाइफ ने कहा कि अब कोई टेंशन नहीं है, जॉब पे नहीं जाना है, तो ये लो बुक्स अपनी, जो तुम लिख रहे थे वो लिखना शुरू कर दो. तो मैं, वो तो खुशी खुशी बोल रही थी, लेकिन जो नेथलिन हैवथॉर्न थे उन्होंने पूछा कि अच्छा बुक तो मैं लिख लूँगा, और फिर जब मैं बुक लिख लूँगा तब अपन क्या खाएँगे, पैसे कहाँ से आएँगे. To his amazement, she opened a drawer and pulled out a substantial amount of money. Where on earth did you get from? He exclaimed. I have always known that you were a man of genius, she told him. I knew that someday you would write a masterpiece. So every week out of the money you gave me for housekeeping, I saved a little bit. So here is enough for us to last for one whole year. From her trust and confidence came out one of the greatest novels of American literature, The Scarlet Letter. ठीक है, तो उनकी वाइफ कबर्ड के पास गई और एक ड्रॉअर खींचा और उसके अंदर बहुत सारा पैसा था. तो फिर हैवथॉर्न ने पूछा कि इतने सारे पैसे तुम्हें कहाँ से मिले. तो वाइफ ने कहा कि मुझे पता था एक ना एक दिन आप कोई ना कोई अच्छी बुक ज़रूर लिखोगे, आपको टाइम भी मिलेगा, इसलिए मैं उसके लिए सेविंग्स करती थी. तो आज तक इतने सालों में आपने जब भी पैसे दिए मैंने कुछ कुछ पैसे बचा लिए, और आज हमारे पास इतना सारा पैसा है कि हम एक साल बिना कमाए आराम से बैठ के खा सकते. इसलिए आप टेंशन मत करो, आप अपनी एक साल में अपनी मास्टरपीस लिखो और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा. तो हैवथॉर्न को कॉन्फिडेंस उसकी वाइफ ने दिया, एंकरेज किया बुक लिखने के लिए, और फिर हैवथॉर्न ने बहुत ही अच्छी बुक लिखी, नॉवल लिखी, जो आज तक अमेरिकन लिटरेचर का पार्ट है, और उसका नाम है द स्कारलेट लेटर. इट वॉज रिटन बाय नेथलिन हैवथॉर्न बिकॉज वाइफ सोफिया एंकरेज्ड हिम.
In addition to encouraging someone through personal conversation, cards and letters, emails are also a great way to encourage someone. In fact, it enables the person to read whenever they are in need of encouragement. Remember a few words of genuine appreciation or something positive. We have a great impact on the person who is appreciated. It builds the other person's self-esteem and automatically your own self-esteem goes up. तो यहाँ last two paragraph में क्या कहा है students कि हमें सबको appreciate करना चाहिए, thank you बोलना चाहिए, encourage करना चाहिए, कभी भी किसी को discourage नहीं करना चाहिए कि तुझसे तो होगा ही नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए. और अगर हम face to face किसी को encourage नहीं कर सकते तो हमें क्या करना चाहिए, छोटे छोटे cards या letters बनाकर encouragement देना चाहिए. ठीक है, तो हमारे छोटे वर्ड्स भी किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए कभी भी नेगेटिव नहीं बोलने का, हमेशा पॉजिटिव बोलने का. ओके, सो स्टूडेंट्स दैट इज ऑल अबाउट द चैप्टर. होप यू विल रीड द स्टोरी एंड द चैप्टर अगेन. डू रीड लेसन 11 एंड लेसन 10 एज वेल एंड द नोट्स ऑफ लेसन 10 आई विल बी सेंडिंग यू. आज PDF में मैं भेज रही हूँ, सो यू विल बी राइटिंग डाउन दैट. लेसन 11 और लेसन 12 के नोट्स मैं बाद में भेजूंगी वंस वी कंप्लीट द चैप्टर. ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. डू कंप्लीट योर नोटबुक्स, कीप देम अप टू डेट. सी यू ऑल वेरी सून.